हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स नोटबुक। दोस्तों, आज हम 18th और 19th सितंबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 17th ईस्ट एशिया समिट विल बी हेल्ड इन ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी सिंगापुर, डी कंबोडिया। 17th ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंबोडिया। क्या आप जानते हैं कंबोडिया की कैपिटल सिटी क्या है? अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन पोलो वाज रिसेंटली इन न्यूज। इट इज़ रिलेटेड टू ए लिबरेशन ऑफ गोवा, बी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, सी लिबरेशन ऑफ हैदराबाद या डी सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन पोलो हाल ही में खबरों में था, यह किससे संबंधित है? गोवा की आज़ादी से, बांग्लादेश की आज़ादी से, हैदराबाद की आज़ादी से या भारत के जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे उन्हें वहाँ से सुरक्षित घर लेकर आना, उससे रिलेटेड था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद की आज़ादी, लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था इंडिया ने, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन ए 18 सितंबर, बी 12 सितंबर, सी 22 सितंबर या डी 16 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी पुलिस इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन क्राइम्स पनिशेबल बाई मोर देन 6 ईयर्स। ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी तेलंगाना या डी केरला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जो है ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 8 चीतास हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम ए ईरान, बी नामीबिया, सी केनिया या डी साउथ अफ्रीका। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर। हाल ही में इनमें से किस राज्य ने मिशन अमृत सरोवर को इम्प्लीमेंट करने में टॉप किया है? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पीएम मोदी वर्चुअली इनोग्रेट्स सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। इनमें से कौन से शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया है? ए वाराणसी, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी न्यू दिल्ली। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज तारागिरी। तारागिरी आजकल खबरों में था, आपको बताना है कि तारागिरी क्या चीज़ है। ए फ्रिगेट, बी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम या डी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रिगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ नेम्ड सुनील छेत्री एज ब्रांड एम्बेसडर। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए पार्ले, ऑप्शन बी पिंटोला, ऑप्शन सी आईटीसी या ऑप्शन डी एचयूएल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पिंटोला। हाल ही में पिंटोला ने सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर हैं उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, फेमस क्रिकेटर एरॉन फिंच रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री?
एरोन फिंच एक फेमस क्रिकेटर हैं, आपको ये बताना है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। कल फिर मिलते हैं कुछ और एमसीक्यूज के साथ।